सबसे इम्पोर्टेंट था ये एंटीसिपेट हम कर चुके थे हम बता चुके थे कि एफ बी आर का जो एक एस आर ओ है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इंटरनेशनल ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन पांच फीसद कम हुई है उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन का जो सेगमेंट है पूरे का पूरा डिस्टर्बड और डिस्टर्ब होने के लिए जा रहा है आज चाइना के स्टॉक मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस शो की है जैसे ही सेकंड हाफ यानी कि एशिया का जो सेकंड हाफ है वहां पर भी आपको जो यूके की और यूरोपियन यूनियन की जो न्यूज है वो इंपैक्ट करती हुई नजर आई और ऑयल की वजह से तो वह बात नजर आ ही रही थी ना बात यह है कि यूके की तरफ से जो इकदाम फ्रेड के हवाले से किए जा रहे हैं उसका ताल्लुक इंटरनेशनल खबरों से नहीं है और ना ही कोरोना वायरस से हम अपने कई प्रोग्राम में डिस्कस करते आ रहे हैं कि डॉलर पाताल में पाताल ही में रहेगा लेकिन आज गौर करें कि इसमें ऐसे जो इकदाम जो है वो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसकी तरफ से नजर नहीं आए ये आपको एक नेशनल फिनोमिनम के तौर पे नजर आ रहे हैं आज यही अरब डॉलर पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को वापस भी किए उसका इंपैक्ट आना था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने मौके दिए वेल्थ क्रिएशन के वेल्थ क्रिएशन के मौाक नहीं दिए उससे क्या हुआ करप्शन में इजाफा हुआ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ आप ये देखिए कि दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट गम, ये गवर्नमेंट कर रही है वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इतने एहसान इकदाम किए जा रहे हैं अमी टू द कोविड 19 जो इकदाम किए गए उससे गुर्बत में इजाफा नहीं हुआ हम भूखे नहीं मरे कंस्ट्रक्शन पैक आया जाया उसकी वजह से आपकी जो लेबर की खपत है इतनी बढ़ गई कि आपकी पचास फीसद पाकिस्तान की जो लेबर इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काम कर रही है टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आए उसकी उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में लेबर की कमी पड़ गई मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कमी आए ना आए लेकिन रुक गई है आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स कमोडिटीज को जबकि अपने चौथे सेगमेंट फॉर्ट में हम पाकिस्तान में गुरबत और इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर थैंक यू प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से सर स्टॉक मार्केट में के एस सी हंड्रेड इंडेक्स जो है काफ़ी ज़बरदस्त तेजी के बाद आज हमें नेगेटिव नज़र आ रही है और कोई थोड़ी बहुत नेगेटिव नहीं ने, ने, तकरीबन चार से चार नेगेटिव नजर ने ने आ रही है कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट था ये एंटीसिपेट हम कर चुके थे हम बता चुके थे कि एफ बी आर का जो एक एस आर ओ है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वही इन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा है लेकिन एक और वजह वो ये है कि ग्लोबली जो यानी कि जो इंटरनेशनल ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन पाँच फ़ीसद कम हुई जो कि हम अपने तीसरे सेगमेंट में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आया दूसरा एक और ख़बर है जो कि सेकेंड हाफ में हमें पहुंची यानी कि 12 से 1 बजे के दौरान पाकिस्तान में पहुँची हुई है कि यू की तरफ से यूरोपन यून की तरफ़ से काफ़ी सारे कदगन लगा देंगे ट्रांसपोर्टेशन पे पर्रेड पे और यू के अंदर भी जो लॉकडाउन उसको फ्रिक किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में किया जा रहा है और जो आमद और उस अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन का जो सेगमेंट है पूरे का पूरा डिस्टर्ब और डिस्टर्ब होने के लिए जा रहा है उसकी वजह से जो है ना काफी नेगेटिविटी फैल गई आप ये गौर करें ना ओपनिंग उन्होंने डेफिनेटली नेगेटिव ने की मतलब इतनी नेगेटिव नहीं थी कि आप इसको कंट्रोल ना कर सकें लेकिन फिर अगेन म्यूचुअल फंड्स जो है वो नेट बायर्स के तौर पे सामने आते हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं सेलर्स के तौर पे सामने आते हैं और इंटरडे आपको जबरदस्त 500 पॉइंट की एक्टिविटी नजर आती है अच्छा जब मिड डे आता है उस वक्त आप गौर करें मार्केट पॉजिटिव थी उसके बाद फिर डिप जाती है इसका मतलब है कि जो यूके और यूरोपियन यूनियन की जो न्यूज है जैसे ही टेलीविजन पे वो खबर आना स्टार्ट हुई है उसके बाद मार्केट बहुत नेगे ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुई और एकदम डिप करके नीचे की तरफ गई है और फिर रिकवर नहीं कर सकी तो फिर वॉल्यूम आज कितना रहा वॉल्यूम आज जो थे वो काफी बेहतर नजर आ रहे हैं गुजता रोज के मुकाबले में लेकिन असल चीज यह है कि जो फॉरन इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से रोबस्ट सेलिंग देखे गई है अच्छा ये एंटिसिपेटेड था उसकी वजह यह है कि जो बड़ा अर्निंग सीजन है उसमें जो कमर्शल बैंक है वो काफी हमें फेल परचेज होते हुए तो लास्ट वीक हमें नजर आए और दूसरे सेगमेंट भी नजर आए क्या आज भी नजर आए एब्सोलूटली आज भी नजर ए आप देखें ना कमर्शियल बैंक आज आपको नेगेटिव साइड पर नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है जो कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जो सेगमेंट आज पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं ना वो बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल है यानी कि अगेन वही वाले सेगमेंट हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अमित टू कोविड नाइन्टीन जो आई टी स्टॉक्स हैं ना वो वाले स्टॉक्स जिनका इम्पैक्ट जो है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक्टिविटी के अंदर कमी आती है फूड इन्फ्लेशन होती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको तो वो वाले स्टॉक्स आप आज आपको पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर नजर आए लेकिन सबसे बड़ा जो आपको मार्केट को डैम्पन करते हुए स्टॉक्स नज़र आए उसमें ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हैं

कि यूएस की तीनों की तीनों स्टॉक मार्केट्स वीकेंड पे नेगेटिव रही फ्यूचर्स भी नेगेटिव नजर आ रहे हैं मगर आज चाइना के स्टॉक मार्केट्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस शो की है जबरदस्त रिटेलिएशन शो की गई काफी पॉजिटिव एब्सोल्युटली और उसकी क्या वजह वहां की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है वहां के पॉलिसी मेकर्स ने ये इशारा दिया है कि हमारी सपोर्ट आपको जारी रहेगी हमने डिस्कस किया था अपने दो हफ्तों में डिस्कस करते आ रहे प्रोग्राम्स के दौरान वो ये है कि शायद चाइना का जो सेंट्रल बैंक है दुनिया का वाद बैंक बनने जा रहा है जो टू द कोविड नाइनटीन जो इकदाम हैं वो खत्म कर दे लेकिन आज दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से इशारा दिया गया है कि हम आपको स्टिमुलस पैकेज देते रहेंगे हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे जिसकी वजह से आज तमाम के तमाम स्टॉक मार्केट डिस्पाइट हुआे के हवाले से जो है बहुत ही नेगेटिव खबरें आ रही हैं और उसके अलावा एक और नेगेटिव खबर आई है वो ये अब लॉ बन गया ना कि आपने जो स्टॉक यूएस की जो स्टॉक मार्केट है उसमें से कुछ चाइनीज कंपनीज हैं उनको अनलिफ्ट कर दिया जाएगा बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ी खबर है लेकिन आज आपको पॉजिटिव नजर आ रही है दिस इज ग्रेट लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकेगा एब्सोटली एब्सोलुटली अगर हम गौर करें ना इसका बेसिक जो इम्पैक्ट आया वो इमर्जिंग मार्केट्स पे आया मास uh, जो कि कोरिया की स्टॉक मार्केट है जो कि ऑफ स्टॉक्स की वजह से ऊपर नज़र आ रही है आज आप गौर करें आपको एशिया की जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव नज़र आ रही हैं एक वजह यह बनी दूसरी वजह जैसे ही सेकंड हाफ़ यानी कि एशिया का जो सेकंड हाफ है वहां पर भी आपको जो यूके की और यूरोपियन यूनियन की जो न्यूज़ है वो इंपैक्ट करती हुई नज़र आई और ऑयल की वजह से तो वहरी बातें नज़र आ ही रही थी ना क्योंकि आप अगर गौर करें आ, तो एशिया मेजरली एक्सपोर्टिंग नेशंस में से आता है ना तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर यूरोप और यूके जो कि बड़े सेगमेंट्स हैं बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं और दे आर हैवी इंपोर्टर्स एज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स तो आपको क्या नजर आए कि आपको एकदम धचका लगेगा कि अच्छा ऑयल की कीमत भी कम हो गई है फ्रिक लॉकडाउन भी होने के लिए जा रहे हैं फ्रेट एंड फॉरवर्ड का जो सेगमेंट है वो भी हिट होने के लिए जा रहे हैं यानी कि सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर डिफर्ड नजर आ रही है एप्सलूट इसका इंपैक्ट क्या होगा आपकी एक्सपोर्ट्स हिट हो सकती हैं इस वजह से आपको तमाम स्टॉक मार्केट्स नेगेटिव नजर आएंगे अच्छा मिडल ईस्ट की को भी डिस्कस करें जो बड़ा काफी सपोर्ट करता है के मार्केट को। वो तो आज कम नजर आया है ना ऑयल के अंदर पांच फीसद की कमी पांच फीसद की अगर ज्यादा की बात करें इसको हफ्ते लग जाते हैं सात हफ्ते नजर आ रही है आपको ऑयल प्राइसेस के अंदर और एकदम पांच फीसद के अंदर वाइप आउट हो जाती है तो इट्स बिग न्यूज तो क्या फिर यूरोप के अंदर भी यूरोपियन स्टॉक्स के अंदर भी यही नेगेटिविटी रही और क्या ये जारी रहेगी नेगेटिविटी एब्सोल्युटली देखिए अब जिस तरीके से इसने पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको इसने इन्फ्लुएंस किया नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया यही आप यही वजह है कि आपको यूके के स्टॉक मार्केट्स और यूरोपियन यूनियन के स्टॉक मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं यानी कि यूरोप स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें वो आपको मेजरली नेगेटिव नज़र आ रहे हैं और ये नेगेटिविटी आज के दिन तक तो रहेगी लेकिन बात यह है कि यूके की तरफ से जो इकदाम फ्रेड के हवाले से किए जा रहे हैं उसका ताल्लुक इंटरनेशनल खबरों से नहीं है और ना ही कोरोना वायरस से उसका ज्यादातर जो है ताल्लुक है वो यूरोपियन यूनियन से है उसकी वजह क्या है क्योंकि ब्रेगजिट होने जा रहा है और हमने डिस्कस भी किया था अपने प्रोग्राम्स के दौरान कि बोरिस जॉनसन जो कि यूके के, के प्रीमियर उन्होंने कहा था वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान तो वो अपने एक प्लान को यूज कर रहे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको उन्होंने आश्कार किया उसकी वजह क्या हुई कि क्योंकि यूके के जो वॉटर्स है वहां पर जो यूरोपियन यूनियन वाले फिशिंग क्या करते थे एक बहुत बड़ा मतलब मसला है ये तो उस हवाले से एकदम नजर आ रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए इन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए अभी तो आपको इमिग्रेशन के हवाले से इकदमा नजर आएंगे और ये मार्केट और डैम्पन कर सकते हैं तो यूएस के मार्केट जो हैं, वो भी लास्ट वीक नेगेटिव रही तो आज उनका आवाज क्या फ्यूचर ऑफ नेगेटिव नजर आ रहे हैं और आ... मेरा अपना पर्सनल व्यू कि नेगेटिव रहेंगी ज़्यादा मिक्स हो सकती हैं आपको नैसडेक पॉजिटिव नज़र आ सकती है जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है वजह हुआ और वो जो लॉ नज़र आया उसके अलावा अगर आप गौर करें ना हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि बल्कि दो हफ़्ते पहले के प्रोग्राम्स में डिस्कस किया था कि फ़ेसबुक और गूगल को जुर्माने किए गए वो भी जो है जो न्यूज़ है उन्होंने इतना इम्पेक्ट नहीं किया लेकिन ये वाली आज की जो न्यूज़ है ना इम्पैक्ट करेगी एब्सोल्युटली लेकिन आज की जो न्यूज़ है ना ये इम्पेक्ट करने के लिए जा रही है इसी के साथ हुए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ

और ब्रेकफ़िट की वजह से जो फ्रेट एंड फॉरवर्ड्स के हवाले से एक अनसर्टिनटी आई है उसने डॉलर को सपोर्ट किया सो तो एक ये एक नेचुरल फिनोमिन की वजह से हुआ है इसमें ऐसे जो इकदाम जो है वो यू का जो फेडरल रिजर्व है उसकी तरफ से नजर नहीं आए ये आपको एक नेच के तौर पे नजर आ रहे हैं कि एकदम क्योंकि यूरो यो, और स्टर्लिंग जो है वो अगेंस्ट डॉलर जो है वो डाउन होते हुए नजर आए एब्सोल्युटली यही वजह है कि आज पाक रुपी जो है वो आपको डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है ऐसा कोई खबर नहीं है लेकिन एक ये आज मंडे है आज डॉलर था। था। इसका मतलब डेप्रिसिएशन होनी थी ये आपको एक दिन में नजर आ रही है मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये एक दो दिन के अंदर विशन या पैरिटी बेहतर होती हुई नजर आ सकती है इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ अच्छा ऑयल को डिस्कस करते हैं कमोडिटीज में सबसे पहले WTO और ब्रेंट हमें एक प्राइस उनकी कम नजर आई है 46 और 49 पे रिस्पेक्टिवली हमें नजर आ रहे हैं तो ये एक दम से सडन चेंज है 51 से 49 पे आना तो इनकी क्या वजूहत है एक ही वजह वो है कि यूके के इकदाम नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन रिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है देखिए ना ट्रांसपोर्टेशन को जो सेगमेंट है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सेगमेंट है जो कि तेल को इस्तेमाल करता है और ये इकोनॉमी इसको मिलाता है अच्छा अगर इसके अंदर डिस्ट्रप्शन नज़र आती है इसका मतलब यह है कि आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वो भी डिस्टर्ब हाँ एब्सल्यूटली देखा जाए तो चार्जेस बढ़ने हैं कम होने हैं क्या होना है क्या, क्या फ्यूचर होगा ये अनसर्टन हो गया जिसकी वजह से अच्छा दूसरा फिर कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो भी यानी कि उसकी डिमांड में कमी है लेकिन ये कहा जा रहा है रशिया के जो ऑयल मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि जो प्री कोविड नाइन्टीन जो लेवल्स हैं वो तो अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहे दो तक लेकिन यह है कि अभी भी दुनिया के अंदर छः सात मिलियन बैरल पर डे की जो है ना ऊंच नीच नजर आ रही है तो ये, ये एक्टिविटी नजर आ रही है उसमें ये है कि, ये कि देखिए तब्दीली है तो बहुत बड़ी लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आप गौर करें जो ओपैक और ओपैक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम की हुई 7.2 मिलियन बैरल पर डे तो आपको तकर गैप होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो यह जो आज तब्दीली आई है ये सेंटिमेंट्स की वजह से आई है ना कि कोई सप्लाई एंड डिमांड के गैप में उतार चढ़ाव की वजह से नजर आ रही है आज गोल्ड जो है वो हमें 1871 के लेवल पर नजर आ रहा है दस डॉलर कमी नजर आ रही है और डॉलर शायद स्ट्रॉन्ग हो रहा है यही वजह एक ये एक वजह है और यही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह है लेकिन दूसरी वजह ये है कि इन्वेस्टर्स का जो टिल्ट है ना वो एकदम से बदल गया देखिए ना जैसे ही आपको कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा नजर आएगा उस हवाले से एकदम नजर आएंगे जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको डॉलर स्ट्रॉग नजर आएगा आपको जो अल्टरनेटिव हैं जो अल्टरनेटिव्स हैं वो आपको यानी कि इन्फ्लुएंस नजर आएंगे और इन्फ्लुएंस नजर आएंगे यही हम हम गोल्ड के अंदर देख रहे हैं इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट स्वाड की तरफ

बेनिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम एक शानदार प्रोग्राम था लेकिन इसकी जो रीच है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो क्या मैं क्या कहूँ कि गुरबत में कमी हो रही है या बढ़ रहे हैं मैं नहीं कुछ कह सकता ये तो अब हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बता सकते हैं या हमारे मईत दान बता सकते हैं जो कि फेडरल लेवल पे बैठे हुए हैं असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में गुरबत मौजूद है असल डिबेट ये बनती है कि गुरबत है रबत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं गुरबत के अंदर आपको एजुकेशन की जो रसाई है वो नहीं है वो शामिल है आपके जो किराए बढ़ते हुए जा रहे हैं लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो शामिल है फूड इन्फ्लेशन की वजह से खुराक मुहैया नहीं है वो शामिल है साफ पानी मैसर नहीं है घरों तक नहीं आ रही गैस वो शामिल है आप अपने घर को अफोर्ड नहीं कर सकते एक बहुत बड़ी लग्जरी बनता जा रहा है जो कि अनफोर्डेबल है वो शामिल है आपकी गुरबत में क्या शामिल है कि आपने जब कारोबार करना है तो आपको आसान सूद पर कर्ज़ा या आसान शरत पे कर्जा मुहैया नहीं है वो शामिल है आपको क्या नज़र आ रहा है कि मीशत के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और मीशत की रफ्तार जो मर्जी है उसका जो इम्पेक्ट है वो नज़र आ रहा है तो उससे ग़ुर्बत जो है वो बढ़ती है अच्छा जिस तरह आप बता रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमें नज़र आ रही है उसकी स्पीड नज़र आ रही है तो क्या ये गुर्बत में कुछ कमी ला सकती है या उसको रोक सकती है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि मीशत की जो रफ्तार है उसमें चाहे कमी आ रही है चाहे ज़्यादाती हो रही है हमें देखना है क्या किबत को कम कर रही है या रोक रही है असल बात यह है तो हमें यह देखना है कि पिछले दस साल में क्या इकदाम किए गए पिछले बीस साल में क्या इकदाम किए गए अगर हम गौर करें आपको बेनजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नज़र आ रहा है और यह बढ़ता जा रहा है जिसमें मैंने आपको पहले बताया उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो इंतहाई बुरी है और पाकिस्तान इसमें बहुत कम इम्प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है पिछले दो तीन साल में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आई है असल बात यह है कि ये प्रोग्राम आ गए फिर आपको वर्ल्ड बैंक कर्जे देता हुआ नजर आ रहा है आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे ले रहे हैं ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट और ये इसका ताल्लुक क्या है से अच्छा आपने इकदाम का जिक्र किया है चालीस साल से यही तो इकदाम होते आ रहे हैं तो क्या उससे क्या गुर्बत कम हो गई है यह बहुत अच्छा सवाल आपने किया हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा जो इकदाम की मैं बात करूं क्सर इंपॉर्टेंटर ट्रांसपोर्टेशन के वसाइल नहीं है तो गुरबत है मिसाल के तौर पर अगर लाहौर की बात करूं गुजरा वाला से है कैसी रोड हम सब जानते हैं कि काफी अरसे तक तो यह रोड टूट फूट का शिकार रही इसकी वजह से क्या गुर्बत में इजाफा हुआ कमी हुई या रुक गई हम ये नहीं कह सकते लेकिन आप गौर करें इसकी वजह से नुकसान कितना हुआ तो वो क्या ग़ुरबत में इजाफी की वजह बनेगी एब्सोल्युटली कम तो नहीं हुई ना अच्छा यहाँ पर जो आप बात करेंगे पिछले 40 साल में जो इकदाम किए गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो अंडरस्टैंड करना ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे इकोनॉमी को और ताकि गुरबत में कमी आए तो आप ये गौर करें कि पिछले तीस से चालीस साल के दौरान क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हुआ कई ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया सन्नती कर्जे दिए गए और ऑब्जेक्टिव ये रहा कि सन्नतें लगेंगी तो गुरबत में कमी आएगी और इसका इसका डायरेक्टली ताल्लुक गुरबत से बनता है क्यों आपको बेरोज़गारी कम होती हुई नज़र आती है आपको जो लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं आपको तालीम अच्छी मिलती हुई नज़र आती है आपको सड़कें बनती हुई नज़र आती हैं आपको शॉपिंग जो है उसके ट्रेंड्स में तेजी नजर आती है आपको क्या नजर आता है कि जिस तरह इकॉनमी आजकल डिजिटल हो रही है आपको इस इंटीग्रेशन की वजह से सहूलियात नजर आती है, है। वजह से मैं ये कि में कमी नहीं हुई ना यह रुकी है बल्कि इजाफा हो गया वो कैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने मौके दिए वेल्थ क्रिएशन के नहीं वेल्थ क्रिएशन के मौाक नहीं दिए उससे क्या हुआ करप्शन में इजाफा हुआ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ आप ये देखें कि हमारे जो सामान है वो महफूज नहीं है हाँ पाकिस्तान से क्या हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई हमारी इकोनोमी को जान बनाया गया यानी कि पाकिस्तान में सन्नतें नहीं लगी हर हुकूमत ने ये राग अलापा कि हम सनती हम जोन बना रहे हैं यहां पर एब्सोल्यूटली हम हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं लेकिन आप ये देखें कि पिछले इस गवर्नमेंट से पहले इजोन डूइंग बिजनेस का हाल क्या था हम दुनिया में इंतहाई बुरे हालात में थे यानी कि ई फॉर डूइंग बिजनेस में इतनी कम रैंकिंग के बावजूद कैसे आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप नहीं कर सकते तो ये मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या क्या का अच्छा, ये, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इकदाम इतने एहसन है या इकदाम इतने बुरे हैं लेकिन असल चीज ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन ये नफर आ रही है कि इकोनॉमी के अंदर दो फंडामेंटल तब्दीलियां आ रही हैं सबसे पहले कि आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाया जा रहा है आप ये देखें कि इफ गवर्नमेंट की जितनी काबिशें हैं उसकी वजह से इस टू द पेंडेमिक आपको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अभी भी प्री कोविड 19 लेवल के जो हैं, यानी कि दो अरब डॉलर पर मंथ उससे ज्यादा नजर आ रही है यह हैरानकन बात है आप ये देखिए कि दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट गम, यह गवर्नमेंट कर रही है वह है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इतने एहसान इकदाम किए जा रहे हैं आपको कर्जे दिए गए अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए आपको ऐसे कर्जे दिए गए जिस पर आपने फूड जो तीन महीने या छः महीने तक देना ही नहीं है और उसके बाद अब तो वो फैसिलिटी एक साल तक बढ़ा दी गई आप ये देखिए अमीर टू द कोविड नाइन्टीन जो इकदाम किए गए उससे गुरबत में इजाफा नहीं हुआ हम भूखे नहीं मरे हमारे यहाँ लोग बेरोज़गार नजर नहीं आए कंस्ट्रक्शन पैकेज आया उसकी वजह से आपकी जो लेबर की खपत है इतनी बढ़ गई कि आपकी पचास फ़ीसद पाकिस्तान की जो लेबर इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर काम कर रही है टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आए उसके उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में लेबर की कमी पड़ गई और यही वजह है कि तीस हजार नई लूम्स लग रही हैं तो ये एक एहसन इकदाम है ना लेकिन बात वही आ जाती है कि इन दो पॉइंट्स की वजह से क्या गुर्बत में कमी आएगी मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कमी आए ना आए लेकिन रुक गई है व्यूअर्स आज की डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूंगी कि के ऐसी हंड्रेड इंडेक्स हमें आज नेगेटिव नजर आ रही है और अगले एक दो दिन तक मजीद यह नेगेटिव नजर आ सकती है जबकि गुर्बत के हवाले से बात करें तो हुकूमत गुर्बत के लिए एकदम मत तो कर रही है लेकिन वो कितने सूदमंद है ये तो वक्त ही बता पाएगा न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कल दोबारा हाजिर होते हैं तब तक के लिए अपनी मेजबान साहर खान को दीजिए इजाजत एनकीप फॉर्चुन बिजनेस न्यूज टेली